मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। अमेठी जिले ने प्रदेश में टॉप जिलों में तीसरा स्थान हासिल किया है। अब सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रतियोगिता हुई जिसका जिक्र तक नहीं सुना गया और प्रदेश के टॉप जिले भी चुन लिए गए। तो हम आपको बता दें, ये किसी प्रतियोगिता का नहीं बल्कि मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा शराब बेचने वाली रैंक है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अमेठी जिले का नाम एक बार फिर से रोशन हुआ है, लेकिन इस बार वहां रहने वाले शराब के शौकीनों ने इसे फेमस किया है। सिर्फ किसी एक क्षेत्र या कस्बे के नहीं बल्कि पूरे गांव और पूरे शहर के शौकीनों ने। हमारे ऐसा कहने की वजह है यहां मई और जून के महीने में हुई शराब की बिक्री। दरअसल अमेठी से इस बार दो महीने में 4,88,000 लीटर सिर्फ बियर ही बिकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पिछले दो महीने में करीब 5,00,000 लीटर शराब बेची गई है। इसकी कुल कीमत 35 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये शहर का अब तक का सबसे ज्यादा शराब से आने वाला रेवेन्यू है। इस बार गर्मी अपनी चरम पर थी, साथ ही साथ शादी ब्याह और कई सारे फंक्शंस होते रहे, जिससे लगातार शराब की बिक्री बढ़ती गई और तो और ये सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट गए। जानकारी के मुताबिक इस बार सहालग यानी शादी का सीजन भी लंबा चला, जिससे शराब की बिक्री ज्यादा दिनों तक हुई। अगर आंकड़ों की माने तो इस दौरान अकेले मई महीने में 19 करोड़ रुपए जबकि जून में लगभग 16.5 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। जानकारी के मुताबिक शहर में 4,88,000 लीटर बियर, 7.5 लाख लीटर से ज्यादा देसी शराब और 2,20,000 लीटर अंग्रेजी शराब बिकी है। फिलहाल इस बिक्री से राजस्व विभाग की तो मौज हुई ही है, बल्कि इस बिक्री ने जिले को सर्वाधिक राजस्व वाले जिलों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल बॉम, प्योरिटी, पोटेंशियल एंड परफेक्शन, फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।